देखो क्या करना है, हमें आगे ही बढ़ना था, सिंप्लीफिकेशन ही करना था और कुछ नया नहीं किया, जो कर रहे थे वही करना है। क्या हमें फोकाई गिवन है, फोकाई गिवन है लास्ट न्यूमेरिकल में, फोकाई गिवन है, फोकाई जीरो कॉमा है, मतलब क्या वो जीरो कॉमा प्लस और माइनस सी गिवन है, ये एक्स एंड वाई है। सी मिल गया हमें क्या रूट टेन, तो सी स्क्वायर हो गया टेन, ये एक्स और वाई है हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें पता है सी स्क्वायर की वैल्यू 10 रख दी, ये हमारा मेन इक्वेशन है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू रखी 3 की स्क्वायर 9, x की वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर 4, ये यहाँ आ गया। अब एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर ऊपर गया 9 बी स्क्वायर, ये ऊपर गया तो 4 ए स्क्वायर, और दोनों वहां गए तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, डन यहाँ तक का। अब आगे देखते हैं तो क्या हो रहा है, 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर की जगह मैं डाल रहा हूँ इसकी वैल्यू, यहाँ से जो आएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से जो मिलेगी वो, तो मैंने 9 बी स्क्वायर रखा माइनस 4 ए स्क्वायर की जगह रखा 10 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह फिर से रखा 10 माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन किया, 9 बी स्क्वायर ये अंदर गया माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी अंदर जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 10, 10 बी स्क्वायर माइनस ये हो गया बी रेस टू 4, फिर 9 प्लस 4 13 बी स्क्वायर माइनस 40 10 बी स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4, 10 बी स्क्वायर यहाँ आया प्लस का माइनस हो गया 3 बी स्क्वायर, ये माइनस उस साइड चला गया तो प्लस, ये माइनस इस साइड आया तो प्लस, यहां तक हम करते ही थे, इसके आगे नहीं करते थे, वो मैंने किया। क्या किया, ये हमारी वैल्यू आ गई है, बी स्क्वायर को मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया बी स्क्वायर को मैंने मान लिया एक्स, हम यहां तक तो करते ही थे, इसके आगे नहीं करते थे, तो इसके आगे अभी किया हमने क्या, बी स्क्वायर को एक्स मान लिया तो 3x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर 3x ये यहाँ आएगा तो माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई माइनस 8 और x की वैल्यू आई 5। अब x की वैल्यू जो हमारी बी स्क्वायर है वो डाल दी तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, पॉसिबल नहीं है इसलिए कैंसल्ड, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, बी स्क्वायर की ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गई 5, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो हमारा मिल गया हाइपरबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बाय 5 माइनस x स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू 1, और इसी को बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला, जिसमें a और b की वैल्यू सेम। तो हम यहां तक जा रहे थे, इसके आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम 4 रेज टू पावर 4 वाले इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें एज्यूम किया, एज्यूम करके जैसे ही हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं वो किया, तो हमें एक वैल्यू दो वैल्यू मिली, उसमें से एक पॉसिबल नहीं है दूसरी पॉसिबल है, वो वैल्यू आंसर है। देन आया समझ में, कुछ भी नहीं था, कुछ अलग ट्रिक भी नहीं लगाई सॉल्यूशन में, बस हो गया, हम यहां से रुक जा रहे थे, अब आगे बढ़े। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, और वो तुम भी देख लेना कि तुमने जो किया है वो कैसे किया है।